हेलो एवरीवन, मैं हूँ मनीषा भारद्वाज और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ फ्रूट कस्टर्ड रेसिपी। तो चलिए चलते हैं किचन में। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए हमें इन सारी चीज़ों की आवश्यकता है: सेब, केला, बादाम, काजू, किशमिश, अंगूर, अनार, इलायची पाउडर, चीनी, फ्रूट कस्टर्ड और दूध। इस दूध में से हमें एक कप हम इसमें निकाल के रख लेते हैं। बाकी दूध को हम उबलने के लिए चढ़ा देते हैं। हम इसमें इलायची पाउडर डाल देते हैं। और चीनी को भी ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें 4 से 5 चम्मच चीनी डाल देते हैं। आप जिस हिसाब से मीठा खाते हो कम या ज्यादा कर सकते हैं। हमारा दूध उबल रहा है, हम कस्टर्ड को दूध में मिक्स कर लेते हैं। 3 चम्मच हम कस्टर्ड डाल रहे हैं। इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसे अच्छे से मिक्स करें ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। दूध को ठंडा ही लेना है, गर्म दूध में गुठली रहती है। इसमें आप अपने हिसाब से कोई भी फ्रूट को ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। देखिए हमारा कस्टर्ड जो है वो मिक्स हो चुका है। हमारा जो दूध है वो उबल चुका है। गैस को स्लो कर देते हैं और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड पाउडर को ऐड करेंगे और एक हाथ से इसे चलाते रहें ताकि कोई गुठली इसमें ना बने। अब इसे चलाते हुए हमें इसे पकाना है ताकि कस्टर्ड पाउडर हमारा अच्छे से पक जाए। देखिए हमारा जो कस्टर्ड है वो पक चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा फिर हम इसमें सारे फ्रूट्स को ऐड कर देंगे। हमारा जो कस्टर्ड है वो ठंडा हो गया है, अब हम इसमें फ्रूट ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें सेब को डाल देते हैं। अब अंगूर डाल देते हैं। अनार को भी डाल देते हैं। अब केला को डाल देते हैं। बाकी बचे हुए सारे ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। इसे ठंडा ठंडा सर्व करने में बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए आधे घंटे इसे फ्रिज में रख देते हैं। आधा घंटा हो गया है और अब हम इसे फ्रिज से निकाल के सर्व कर चुके हैं। अगर आपको हमारा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।